प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज का जो क्लास होने वाला है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 में सॉयल एक्सप्लोरेशन और साइट एक्सप्लोरेशन होने वाला है, जो कि आपका लेक्चर नंबर 8 आपका यहां पे होने वाला है। देखो, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये मॉड्यूल नंबर कितने नंबर मॉड्यूल में, एक मिनट वेट कर लो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग तो ये मॉड्यूल नंबर 4 है ना। तो आपका सिलेबस में आपका ये कौन सा है, मॉड्यूल 4, ठीक है। इससे पहले 1-7 लेक्चर तक मॉड्यूल 1 के बारे में डिस्कस किए, बाकी बीच बीच में अगर मॉड्यूल 1 से और क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे तो वो क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो जो सॉयल एक्सप्लोरेशन है इसी को साइट एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। साइट एक्सप्लोरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइट पे जाते हैं तो हम लोग सॉयल का चेक करते हैं कि सॉयल कैसा है ना, किस टाइप का है और वो कितना लोड कैरी कर सकता है, सॉयल में वॉइड रेशियो कितना है ना। तो ये सभी पता करने के लिए उसका सैंपलिंग करना जरूरी है, उसको कलेक्ट करके लाना जरूरी है ना। ऐसे ही तो हम लोग नहीं कर लेंगे, चेक नहीं कर लेंगे। तो वो से कंडक्ट करने के लिए, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने के लिए सैंपलिंग जो कलेक्ट करते हैं, कौन सा सैंपल हमें कलेक्ट करना है। सैंपल कई तरीके के होते हैं, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, डिस्टर्ब्ड सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। तो इन सभी का यूज के लिए हम लोग यहाँ पे जो है करते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साइट एक्सप्लोरेशन की, तो जो साइट एक्सप्लोरेशन है इसका जो मेन एम है ना, इसका जो मेन एम है, मेन उद्देश्य ये है कि जो आपका इंफॉर्मेशन है सॉयल के बारे में उसको क्लियरली प्रोवाइड करना और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है हमें देना, साथ ही साथ उसका जो अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेटा है उसे और वाटर टेबल कहाँ पे प्रेजेंट है इसके बारे में। इसके अलावा हम जो लैब में टेस्टिंग करते हैं या जो सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से किया जा रहा है, तो इन सभी का इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो जो हम लोग जो है एक्सप्लोर करते हैं, मतलब जो तरीका होता है ना, साइट पे जाते हैं उसका करते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को जो है क्या कहा जाता है, साइट एक्सप्लोरेशन कहा जाता है या फिर इसको सॉयल एक्सप्लोरेशन भी कहता है। क्यों सॉयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉयल के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप साइट पे जाएंगे तो कई सारी चीजें साइट पे एक्सप्लोर होगी, लेकिन जनरली हम लोग वहाँ पे किस सॉयल मैकेनिक्स में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जनरली जो है हम लोग सॉयल का एक्सप्लोरेशन करते हैं, ठीक। तो जो एक्सप्लोरेशन करने का जो तरीका है, दो तरीके से जो है सॉयल का एक्सप्लोरेशन जो है आपका किया जाता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है जनरल एक्सप्लोरेशन। जनरल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि जब सैंपल हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उसे लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं, है ना, और लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं और उसका अलग अलग इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम लोग जो है एस्टिमेट करते हैं। और ये जो मेथड होता है ये स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है। जो जनरल एक्सप्लोरेशन है ये स्मॉल वर्क के लिए यूज किया जाता है, लंबे या बड़े वर्क, लार्ज वर्क के लिए या हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता है। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा एक्सप्लोरेशन का टाइप्स है आपका डिटेल एक्सप्लोरेशन। क्या है डिटेल एक्सप्लोरेशन? डिटेल एक्सप्लोरेशन में आपका जो सॉयल का एक्सप्लोरेशन होता है वो रिक्वायर्ड होता है व्हेन हैवी और कॉस्टली और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस मेथड। इस मेथड में जो परमेबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होता है, शियर स्ट्रेंथ होता है, स्टेबिलिटी होता है आपका, है ना, इसके अलावा बियरिंग कैपेसिटी होता है और भी अदर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे होते हैं जो कि लैब में
टेस्ट किया जाता है, जब सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है तब। तो जब डिटेल में किसी चीज के बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं तो वो हमारा डिटेल एक्सप्लोरेशन होता है। जो भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हम लोग एस्टिमेट करते हैं लेबोरेटरी में या फील्ड में, वो सारी हमारे जो है क्या हो जाता है, डिटेल एक्सप्लोरेशन का पार्ट हो जाता है। बात किया जाए साइट एक्सप्लोरेशन की, तो मेनली दो तरीके से जो है साइट का एक्सप्लोरेशन किया जाता है आपका। पहला जो मेथड है वो है ओपन एक्सकैवेशन, पहला जो मेथड है ओपन एक्सकैवेशन, और दूसरा जो है आपका बोरिंग या ड्रिलिंग है, है ना। पहला जो मेथड है वो है आपका ओपन एक्सकैवेशन। ओपन एक्सकैवेशन में क्या होता है कि पीट या ट्रेंच यानी एक गड्ढा जो है हम लोग तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें जो जो भी टाइप्स ऑफ सॉयल है उसका यूज करते हैं, है ना। गड्ढा खटने के बाद सॉयल सैंपल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेप्थ होता है वो सैलो डेप्थ होता है, जो कि मैनुअली हम लोग करते हैं, है ना। जो गड्ढा खोदते हैं वो मैनुअली जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं, और जो डेप्थ होता है ग्रेटर देन 6 मीटर अगर है तो उस वहाँ पे मशीन का यूज भी जो है हम लोग कर देते हैं ट्रेंच करने के लिए। लेकिन सैलो डेप्थ यानी लेस देन 6 मीटर या इक्वल टू 6 मीटर है तो हम लोग जो है मैनुअली जनरली करते हैं। ग्राउंड वाटर टेबल जो है यहाँ पे लोअर्ड होता है, मतलब बहुत नीचे होता है ना, ऊपर आपका यहाँ पे नहीं होता है, ओके? दूसरा है बोरिंग या ड्रिलिंग। तो बोरिंग और ड्रिलिंग में सबसे पहला आपका है ऑगर एंड सेल बोरिंग, है ना, ऑगर एंड सेल बोरिंग। तो जो ऑगर एंड सेल बोरिंग है ये क्या होता है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल टाइप ऑगर होता है एंड सेल विद कटिंग एज यहाँ पे लगा हुआ रहता है इसमें लोअर पार्ट में यानी एंड में, जो कि यूज किया जाता है फॉर मेकिंग डीप बोरिंग, है ना, डीप बोरिंग करने के लिए इन हार्ड और स्टीफ और क्ले सॉइल के केस में। जो ऑगर है वो यूज किया जाता है फॉर सॉफ्ट क्ले के केस में, और सेल जो है वो यूज किया जाता है स्टीफ क्ले के केस में। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है ऑगर, तो एक ऑगर बोरिंग भी होता है ना, ऑगर एंड सेल बोरिंग हुआ और एक ऑगर बोरिंग भी होता है, ठीक है। एक क्या होता है, ऑगर बोरिंग भी होता है। जो ऑगर बोरिंग है ये आपका यूज किया जाता है जनरली फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल, और इसमें मैनुअली या मशीन ऑपरेटेड मैकेनिज्म आपका होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज किया जाता है। फॉर ग्रेवल्स के लिए ये यूज किया जाता है, सॉइल कलेक्ट करते हैं जो कि बैडली डिस्टर्ब होता है, मतलब डिस्टर्ब सैंपल जो है हम लोग कलेक्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल या हेलिकल ड्रिल का यूज किया जाता है ऑगर बोरिंग में, और ये सुटेबल होता है सैलो फाउंडेशन के लिए। किसके लिए, सैलो फाउंडेशन के लिए ये आपका यूजफुल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में लेकर आया हूँ, तो इसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका लिखा गया है, बोला जा रहा है कि ऑगर बोरिंग बोरिंग बाई एन ऑगर इज कैरिड आउट बाई होल्डिंग इट वर्टिकल एंड प्रेस इट डाउन वाइल द ऑगर इज रोटेटेड। यहाँ पे जो है ऑगर को क्या करते हैं हम लोग, रोटेट करते हैं। द टर्निंग एक्शन कट द सॉइल, जो टर्निंग एक्शन है जब ये रोटेट करता है तो इसके कारण से सॉइल जो है कट होता है। विच फिल द एनुलर स्पेस, वंस द एनुलर स्पेस इज फिल्ड ऑगर इज विदड्रॉ एंड क्लीन्ड, द क्लीन्ड ऑगर इज अगेन इंसर्टेड इन होल, है ना। और जो क्लीन ऑगर होता है उसको फिर से जो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, एंड प्रोसेस रिपीटेड। इसी तरीके से प्रोसेस जो है क्या होता है, रिपीटेड होते जाता है, है ना। फिल करते हैं और उसमें जब काट लेता है तो उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसको फिल करते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, इस तरीके से जो है आपका होता है। यहाँ पे आपका फिगर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस भी जो है आपके सेमेस्टर में हमेशा कई बार, मतलब हर साल लगभग जो है इससे जो है क्वेश्चंस आपका जो है पूछा जाता है। तो ये जो आप फिगर देख पा रहे हो, ये फिगर आपका हैंड ऑगर का है। किसका है, हैंड ऑगर का है।
ये आपका पेस्ट होल ऑगर होता है और ये हेलिकल ऑगर है और ये एक्सटेंशन ऑगर है। मान लीजिए ये इतना है, ये एच है, ठीक। अब इस एच में हमें जो है डेल्टा एच करना है ना, डेल्टा एच हमें करना है। तो क्या करेंगे, इस एक्सटेंशन ऑगर का यूज करेंगे, इसमें अटैच कर देंगे, तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। जो हैंड ऑपरेटेड ऑगर होता है मे बी यूज्ड फॉर बोरिंग होल्स टू अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर इन सॉफ्ट सॉइल विच कैन स्टैंड अनसपोर्टेड। हाउएवर इफ द साइड ऑफ होल्स आर लाइकली टू केव इन, केजिंग पाइप मे बी यूज्ड टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ साइड्स ऑफ बोर होल। पावर ड्राइविंग ऑगर आर यूज फॉर ग्रेटर बोरिंग डेप्थ वेयर हार्ड और स्टिफ सॉइल स्ट्रेटा जो है आपका अवेलेबल होता है, इनकाउंटर्ड होता है, वहां पे करते हैं। जो ऑगर बोरिंग है ये कन्वीनियंट मेथड है इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सैंड सिल्ट और मीडियम टू स्टिफ कोहेसिव सॉइल के केस में, ठीक। एज फार एज पॉसिबल ऑगर बोरिंग आर केप्ट ड्राई, सैंपल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल ब्राउट अप बाई ऑगर्स आर सेवरली डिस्टर्ब्ड एंड देयरफॉर आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ओनली। ऑगर बोरिंग जो होता है वो वेल सुटेड होता है फॉर एक्सप्लोरेशन फॉर सैलो, है ना, एक्सप्लोरेशन करते हैं आपका सैलो फाउंडेशन के लिए, किसके लिए, सैलो फाउंडेशन के लिए, हाईवेज के लिए, बोरो पिट्स के लिए, जहां पे डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन जो है रिलेटिवली स्मॉल रिक्वायर्ड होता है वहां पे। सेल और ऑगर मेथड जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, वो यूज किया जाता है वाइडली इंडिया में। अ सेल जिसको जो है सैंड बेलर भी कहते हैं, जो कि हैवी ड्यूटी पाइप विद कटिंग एज आपका होता है, डिफरेंट लेंथ और वेट आपका जो है यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से जो है हम लोग करते हैं। सिंकर्स बार आर समटाइम्स यूज टू एड वेट और टू वेलर्स। जो सैंड वेलर था उसमें सिंकर वार का यूज करते हैं वेट को ऐड करने के लिए। जो सेल होता है वो रेज होता है एंड लेट फॉल इन होल, और वो होल में जो है फॉल किया जाता है। सॉइल दैट इज कट इंटर द ट्यूब विच इज इम्पिटेड वेन फुल। बोरिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड to begin with by augering and सेल is used when augering becomes difficult, है ना। जब augering जो है आपका difficult होता है तब होता है। तो यहाँ पे आपको देखो एग्जाम में जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको फिगर दिया गया है ना, ये फिगर जो दिया गया है ये फिगर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये जो फिगर आपका दिया गया है ये वाला, है ना, ये जो फिगर दिया गया है ये आपका केबल है ना, ये सिंकर बार है और यहाँ से ये सेल या वेलर्स है और यहाँ पे आपका फ्लैट वेल्व लगा होता है और ये आपका कटिंग एज है। तो ये सेल विद सिंकर बार का जो है आपका फिगर है। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस जब बनाते हैं तो आपको क्या करना है कि फिगर जरूर बनाना है ना, क्योंकि अगर आप फिगर बनाते हैं तो वो इफेक्टिव लगता है ना, वो क्या लगता है, इफेक्टिव आपका लगता है। और जो एग्जामिनर होते हैं
वो कॉपी चेक करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, जो बंदा यहाँ पे कॉपी लिखा है उसको नॉलेज है, उसको पता है कि कैसे फिगर बनता है और इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। क्योंकि जब आप फिगर बनाकर किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। जब फिगर बनाकर किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू नॉर्मली लिख देना। तो नॉर्मली लिखने से अच्छा है कि आप फिगर बनाकर समझाइए, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो डियर अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे जो ऐप है इंजीनियर प्लस, वहां पे आपको नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपके अवेलेबल हैं, आप वहां से जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट्स आता है तो आप वहीं पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या किसी तरीके का कोई भी चैटिंग करना हो वहीं पे आपका चैट बॉक्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से आप हमसे क्या कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हमसे चैट भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए अब यहाँ पे सी नंबर हम लोग देखेंगे जो कि है वास बोरिंग, है ना। सी क्या है? बास बोरिंग। तो बास बोरिंग के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वास बोरिंग है ये मेथड कंसिस्ट करता है ऑफ ड्राइविंग अ केजिंग पाइप यूजुअली थ्रू हैवी ड्रॉप हैमर सपोर्टेड ऑन ट्राइपोड एंड पुली, है ना। ट्राइपोड और पुली पे सपोर्टेड होता है और हैवी ड्रॉप हैमर जो है इसमें यूज किया जाता है और केजिंग पाइप होता है ना। वाटर इज फोर्स्ड अंडर प्रेशर, वाटर को जो है फोर्स किया जाता है अंडर प्रेशर थ्रू अ हॉलो ड्रिल रॉड विच मे बी रोटेटेड और मूव्ड अप एंड डाउन, है ना। या तो रोटेट करते हैं, ठीक है, या फिर अप एंड डाउन जो है उस पाइप को क्या करते हैं, वाटर को फोर्स आउट करते हैं इनसाइड केजिंग पाइप, है ना। केजिंग पाइप के अंदर जो लोअर एंड होता है ड्रिल रॉड का वो फिटेड होता है विद शार्प कटिंग एज और चोपिंग, है ना, चोपिंग बीट, और कट करता है सॉयल को। सॉयल को क्या करता है? कट करता है, जिसके कारण से जो कटा हुआ सॉयल होता है वो मिक्स हो जाता है पानी के साथ और वो फ्लोट करने लगता है और वो धीरे 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 एक एंगुलर शेप ले लेता है और वो केजिंग पाइप के अंदर चला जाता है। और जब केजिंग पाइप के अंदर चला जाता है तो उस ड्रिल रॉड के थ्रू, क्योंकि वाटर को फोर्स आउट कर रहे हैं तो उसके थ्रू वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसके थ्रू क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। द स्लरी फ्लो फ्लोइंग आउट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ अ सॉयल टाइप। द चेंज इन सॉयल स्टेटा कैन बी सरमाइज्ड फ्रॉम द रेट ऑफ प्रोसेस एंड स्लरी फ्लोइंग आउट। इन दिस मेथड जो हैवियर पार्टिकल्स होता है ऑफ डिफरेंट सॉयल लेयर्स रिमेन्स अंडर सस्पेंशन इन केजिंग पाइप एंड गेट मिक्सड अप, और वो फिर जो है मिक्सड आपका हो जाता है। और ये जनरली हैवी पार्टिकल्स जिसमें डिफरेंट सॉइल लेयर्स आपका होता है वहां पे हम लोग इसका यूज जो है करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण से जो सैंपल्स होता है वो रिकवर्ड किया जाता है फ्रॉम द वाशिंग वाटर एट द नंबर नो वैल्यू। जो सैंपल्स होता है सॉइल का शुड बी ऑब्टेंड थ्रू सुटेबल सैंपलर्स आफ्टर द बोर होल्स हैज बीन क्लीन्ड। जो वास बोरिंग होता है कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड इवन बिलो वाटर टेबल इज प्रैक्टिकली ऑल टाइप्स ऑफ सॉयल एक्सेप्ट हार्ड सॉयल और रॉक, है ना। हार्ड सॉयल और रॉक को छोड़कर लगभग सभी सॉयल के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बास बोरिंग का, ठीक है। बास बोरिंग का जो है हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो वाटर टेबल होता है वो बिलो होता है,
यानी दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन एक्सप्लोरेशन इज डन बिलो ग्राउंड वाटर टेबल, है ना, बिलो ग्राउंड वाटर टेबल जब हम लोग करते हैं तब। अगला आपका यहाँ पे मेथड आपका है परक्यूजन बोरिंग। क्या है आपका यहाँ पे? परक्यूजन बोरिंग। तो जो परक्यूजन बोरिंग है ये बोरिंग होता है बाय परक्यूजन ड्रिलिंग, जो कि कैरिड आउट होता है बाय ब्रेकिंग अप द फॉर्मेशन ऑफ रिपीटेड ब्लो ऑफ हैवी वेट और चिजल इनसाइड केजिंग पाइप। जो बोर होल होता है वो यूजुअली केप्ट होता है, मतलब रखा जाता है ड्राई एक्सेप्ट फॉर अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो कि यूज किया जाता है टू फॉर्म द स्लरी ऑफ पुलवराइज्ड मटेरियल। जो पुलवराइज्ड स्लरी होता है वो वेल्ड आउट यूजिंग व्हीलर्स और सैंड पाइप सैंड पंप अनलेस द साइड्स ऑफ बोर होल आर लाइकली टू केव इन और केजिंग पाइप मे नॉट बी नेसेसरी, है ना, कोई जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है। मेनी टाइम्स जो परक्यूजन ड्रिल होता है वो ड्रिल रॉड्स वो रिप्लेस किया जाता है बाय केबल के थ्रू, और ये सुटेबल होता है फॉर ड्रिलिंग बोर होल्स इन बोल्डरी और ग्रेवली स्टेटा में। तो परक्यूजन के लिए अगर यहाँ पे एक समरी हम लोग बात किया जाए तो इसको कह सकते हैं कि ये यूज किया, इसमें यूज किया जाता है हैवी चेजल्स का, और ये रॉकी फॉर्मेशन यानी जो बोल्डर या ग्रेवली जो स्टेटा है उसमें यूज किया जाता है, और रिपीटेड नंबर ऑफ ब्लोज के कारण से जो है ये आपका पूरा होता है। और ये और भी कई सारे अलग भी अलग टाइप्स ऑफ सॉइल के केस में भी ये आपका यूज किया जाता है। उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर यहाँ पे है, है ना, ये आपका फोर्थ था, ये आपका फोर्थ था, ये आपका फिफ्थ हो गया, रोटरी बोरिंग। तो जो रोटरी बोरिंग है या रोटरी ड्रिलिंग जो है वो यूजफुल होता है इफ, है ना, ये यूजफुल होता है इफ द सॉइल इज हाईली रेजिस्टेंट, है ना, हाईली रेजिस्टेंट सॉइल होता है उस केस में टू ऑगरिंग और बास बोरिंग। जो मेथड होता है कैन ऑल्सो बी यूज इन केस ऑफ सैंड्स और क्ले। इन दिस मेथड जो बोरिंग होता है वो इफेक्टेड होता है बाय कटिंग एक्शंस, जो रोटेटिंग बीट होता है विच इज केप्ट इन फर्म कॉन्टैक्ट विद बॉटम ऑफ द होल। जो वेट होता है वो अटैच होता है लोअर एंड ऑफ हॉलो ड्रिल रॉड के साथ विच इज रोटेटेड बाय अ सुटेबल चक। जो ड्रिल मड होता है वो कंटिन्यूसली फोर्स्ड डाउन होता है हॉलो ड्रिल रॉड से, और जो मड है वो रिटर्निंग अपवर्ड थ्रू एनुलर स्पेस बिटवीन ड्रिल रॉड एंड साइड ऑफ द होल ब्रिंग्स जो कटिंग होता है सरफेस का। ये मेथड को हम लोग मड रोटरी ड्रिलिंग के नाम से भी जो है कहते हैं, यानी एक तरीके से समरी अगर बात किया जाए तो इसका यूज हम लोग मतलब जो केजिंग होता है उसकी जरूरत नहीं रहती है इसमें, और ये स्टीप सॉइल यानी के लिए यूज किया जाता है, और ड्रिल्स आर कंटिन्यूअस रोटेट करते रहता है और वेरी फास्ट और बिग डायमीटर होल जो है आपका यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, है ना। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। इसका अगर फिगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये इसका फिगर है, है ना, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका ड्रिक है, ये आपका संक हाउस है, ये आपका रैंप है ना, ये वाला, और ये आपका
जो है रूप है, और यहाँ पे आपका जो है सिवेल होता है, ये आपका टप है ना, और आपका ये जो है ये है टू टू बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइविंग हेड व्हेन ड्राइविंग केजिंग, और ये जो है ये आपका वेट फॉर ड्राइविंग ड्रिल रॉड्स व्हेन वॉश पॉइंट इज रिप्लेस्ड बाय सैंपलिंग स्पून लार्जर वेट यूज्ड फॉर ड्राइविंग केजिंग। ओके, और ये आपका केजिंग है, ये यहाँ पे ये जो है आपका वॉश पाइप है जो कि ड्रिल रॉड हो गया, और ये जो है यहाँ पे आपका कोपिंग वेट जो कि रिप्लेस किया जाता है बाय सैंपलिंग स्पून ड्यूरिंग सैंपलिंग ऑपरेशन के दौरान। तो ये आपका सेटअप है बास बोरिंग का, है ना, ये आपका बास बोरिंग का ये सेटअप है। और इसी तरीके से आपका रोटरी बोरिंग भी आपका होता है जहाँ पे रोटेट करते रहता है ना, बास बोरिंग भी इसी तरीके का होता है और जो रोटरी बोरिंग होता है वो भी इसी तरीके का होता है। मैं अगर चाहूँ एक मिनट मैं देखता हूँ अगर नेट कनेक्ट होता है, हो पाता है। है ना, अगर नेट कनेक्ट हो पाता है तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना पसंद करूंगा क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर यहाँ पे आपका जो है वीडियोस मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, यहाँ पे आप इसे देख पाओगे और ज़्यादा स्पीड कर देते हैं और स्पीड कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके। देखिए इसका प्रोसेस, देखिए आप प्रोसेस फोकस दीजिएगा डियर, ये ऑगर बोरिंग का है, ठीक है, अगर नुकीला जिसके कारण से मिट्टी क्या रहा है कर रहा है रोटेट होने से कट रहा है और यहाँ पे सैंपलिंग आपका किया जा रहा है। और यहाँ पे फाइनली जो है आपका क्या हो गया, बोरिंग कंप्लीट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये आप जो है प्रोसेस देखिए, आप प्रोसेस पे फोकस दीजिएगा। थोड़ा HD कर दूंगा तो आपको जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे आप YouTube पे और भी वीडियो सर्च करना, आपको इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल फील्ड में आपका जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये आपका वॉश बोरिंग किया जाता है, है ना, ये वॉश बोरिंग आपका किया जा रहा है। तो इसे आप देख लेना, और भी आपको प्रैक्टिकल फील्ड में आपको कई सारे आपके इस तरीके का वीडियोस मिल जाएगा जो कि प्रैक्टिकली किए जाते हैं ना। तो हर जगह मैं ज़्यादा कर तो नहीं कर सकता, किसी चीज़ में सर्च करके दिखाऊंगा। मेरा जो काम है, मेन जो कंटेंट है ना वीडियोस में कि आपको सेमेस्टर कैसे पास करना है वो जरूरी है, ये आपका फील्ड वर्क के लिए। लेकिन एग्ज़ाम में पास करने के लिए आपको क्या है, एग्ज़ाम में पास करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, वो लिखना ही पड़ेगा। ये वीडियो दिखाने से एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा ना, वीडियो दिखाने से एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप हमें अपना डाउट्स को नहीं बताइएगा हमें कैसे पता चलेगा कि आपका क्या डाउट्स है क्या नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैंपल्स के बारे में, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सैंपल्स ना, टाइप्स ऑफ सैंपल्स। तो कितने तरीके से सैंपल जो है हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स,
अनडिस्टर्ब्ड सैंपल में आपका क्या होता है कि जो मिनरल कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट होता है और स्ट्रक्चर्स होता है ना, वो आपका चेंज नहीं करता है, यानी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है जब हम लोग सैंपल को कलेक्ट कर रहे होते हैं तब, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, इफ द स्ट्रक्चर, इफ द स्ट्रक्चर्स मिनरल कंटेंट वाटर कंटेंट आर नॉट चेंज्ड व्हाइल सैंपलिंग, है ना, सैंपलिंग के दौरान, देन दीज टाइप्स ऑफ सैंपल इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स, है ना। तो उसको कौन सा सैंपल कहेंगे, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल कहेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेंड प्योरली अनडिस्टर्ब्ड सिंपल, but some degree of disturbance can be ignored, है ना। कुछ degree of disturbance जो होता है वो क्या करते हैं, ignore हम लोग जो है कर देते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप कोई भी सैंपल लीजिएगा सॉयल का, करने लाने जाइएगा फील्ड से, तो कुछ ना कुछ उसमें वाटर कंटेंट हो या मिनरल कंटेंट हो या उसका स्ट्रक्चर्स हो, उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब 1%, 2% चेंजेस अगर आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उसको कहेंगे कि भाई डिस्टर्ब्ड हमारा नहीं है, अनडिस्टर्ब्ड जो है हमारा यहाँ पे है। ओके, जो दूसरा टाइप्स है वो है आपका डिस्टर्ब्ड सैंपल। दूसरा क्या है, डिस्टर्ब्ड सैंपल्स। तो जो डिस्टर्ब्ड सैंपल है ये सब डिवाइडेड होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स और बी नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। ठीक, तो ये दो तरीके का होता है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स में क्या होता है कि जो मिनरल कंटेंट है और वाटर कंटेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, मिनरल कंटेंट और वाटर कंटेंट जो है चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो सॉइल का स्ट्रक्चर्स है वो चेंज हो जा रहा है ना। तो उस तरीके के सॉइल को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। और जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होता है, इसमें आपका मिनरल कंटेंट, वाटर कंटेंट, स्ट्रक्चर्स सारे के सारे क्या होते हो जाता है, चेंज हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। तो इस तरीके के जो सैंपल्स होते हैं उसको नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स कहते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। इफ द स्ट्रक्चर,
if the structures is modified but mineral content and water content are unchanged or preserved. तो इस तरीके का जो samples होता है वो हमारा non इसको लिख ही देते हैं, मैं पूरा लिख ही देता हूं. This type of samples are called representative samples, है ना, उसको representative sample जो है कहते हैं. दूसरा है non-representative samples. क्या है non representative samples? ठीक. तो if all the properties like soil structure, mineral content water content get modified while sampling the water content while sampling then this type of samples this is type of samples are called non-representative samples, है ना, इसको non representative samples जो है हम लोग क्या कहते हैं. तो ये कुल पॉइंट्स थे जो कि आपको अभी समझने जरूरी थे. यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट भी आप लिख सकते हो, है ना, जो कि इसी से रिलेटेड है, सिंपल से ही नोट. फर्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन परमेबिलिटी के कंप्रेसिबिलिटी सीसी एमबी एंड सीवी एंड Shear strength C and phi undisturbed samples should be used. Undisturbed samples should be used. ठीक. दूसरा,
है ना, जब भी हमें कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी या शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना होता है तो अनडिस्टर्ब सैंपल का यूज करते हैं। दूसरा, टू डिटरमाइन डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसिस्टेंसी लिमिट्स एंड पार्टिकल और ग्रेन साइज एनालिसिस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स आर और कैन वी यूज, है ना, कैन ही रहते हैं, आर से अच्छा है कैन रहेगा, है ना, कैन बी यूज, यानी जब हमें डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंसिस्टेंसी, लिमिट और पार्टिकल और ग्रेन साइज एनालिसिस वगैरह करना होता है तो जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं सॉयल का, वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हम लोग जो है कलेक्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वाटर कंटेंट और आपका मॉइस्चर कंटेंट, है ना, मॉइस्चर कंटेंट मटेरियल कंटेंट या वाटर कंटेंट, वो क्या होता है चेंज नहीं करता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स होता है सॉइल का वो चेंज हमारा जो है कर जाता है। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, थर्ड नंबर, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ सॉइल्स, है ना, जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स है वो किसी भी तरीके का टेस्टिंग जो सॉइल का करते हैं, अलग अलग जो टेस्ट करते हैं उन सब, मतलब किसी में जो है आपका यूज नहीं किया जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो, और आज के सेशंस में किसी भी तरीके का आपका डाउट रहता है ना, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा डियर, क्योंकि देखो आप जब तक हमें नहीं बताइएगा कि आपका क्या डाउट्स है तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका और क्या, है ना, आपका और क्या जो है सवाल है, वो सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेगा ना जब आप हमें बताइएगा, नहीं बताइएगा तो हमें नहीं पता चलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ जो है इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशंस मिले, अपना परिवार आगे और बढ़े, है ना, तो मुझे भी मोटिवेशंस मिलता है ऑब्वियसली कि लोग जो है हमें देख रहे हैं, हमें उनके लिए और सही तरीके से और मेहनत हमें जो है करने की ज़रूरत है, तो हम और मेहनत कर प्रॉपर करते हैं और आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर चीज़ें जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाता है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिए, एंड हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि ताकि उन्हें जो है इससे रिलेटेड हर अपडेट जो है मिल सके, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है उन्हें कंप्लीट मैसेज मिल सके, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है उन्हें मिल सके, है ना, क्योंकि जब तक उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा उनके वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से इंफॉर्मेशन क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, है ना, वो अपना खोजते रहेंगे कि कहाँ करें क्या करें कैसे करें कौन सा चैनल पे पढ़ें। तो जब आप जान रहे हैं तो अपने दोस्तों को मदद कीजिए, और
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशंस। इसी तरीके का और भी सेशंस मैं लाता रहूँगा, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवाता रहूँगा, ताकि आपका सेमेस्टर का क्वेश्चंस भी आपसे बने, प्लस आपका जो है अलग एग्ज़ाम जैसे SSC हो गया, गेट हो गया, ESC हो गया, उन सभी का क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ मैं करवाता रहूँगा। थैंक यू।